दोस्तों, हम में से घूमना किसको पसंद नहीं, और जब यह बात हिमाचल प्रदेश के मैजिक वैली की हो तो बात ही क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामकेत। आज हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं मेरी कंपनी का छोटा सा ट्रिप नोएडा टू वाइचिंग मैजिक वैली। स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। तो दोस्तों, हमारी कंपनी से एक ट्रिप स्टार्ट हुआ नोएडा से, जो जाता है वाइचिंग मैजिक वैली, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों, इसकी बहुत सारी खास बातें हैं जो सबसे अलग बनाती हैं इसे, कि ये काफ़ी दूर पड़ता है जिसकी वजह से लोग मनाली जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही कम पहुँच पाते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग हमारी बस रुकी हुई है एक ढाबे पे, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे हमारी बस देख सकते हैं आप, हमारी बस पीछे खड़ी है। एंड ये हमारा ढाबा है, आप देख सकते हो कितना बड़ा सा। चंडीगढ़ के लिए बस मिलती है, वॉल्वो मिल सकती है, एंड देन आपको भुंतर के लिए मिलती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो वाइचिंग जाने का, तो आपको भुंतर के लिए बस लेना चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ लेते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप दिल्ली से भुंतर के लिए आप बस ले सकते हो, और कुछ ही स्पेशल बसेज हैं, तो उसको आप चेक कर लो कि कौन सी बसेज जा रही हैं। देन दोस्तों, आपको मैं बताऊँगा कैसे कहाँ पर क्या जाना है। अगर आप भुंतर जाते हो, देन भुंतर से आपको मलाना गेट तकरीबन 1400 रुपये लगते हैं अगर आप गाड़ी बुक करके जाते हो। अदरवाइज अगर बस से जाते हो तो आपको मणिकारण जाना पड़ता है, जो 23 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और आपको 20 से 50 रुपये देने पड़ते हैं। कि हम लोग डैम पे पहुंच चुके हैं, जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है मलाना गेट से। और यहाँ पे जाने के लिए आपको 300 पे करने पड़ते हैं। अभी हम लोग मैजिक वैली में हैं, और रात में हम लोगों ने चाय करी थी यहाँ पे, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। यहाँ पे नहीं मजा आ गया। तो हम लोग मैजिक वैली से झरने की तरफ जा रहे हैं। मेरा जैसा कि आप देख रहे हैं, शहर वालों को कितनी दिक्कत हो रही है उतरने में, और मेरा गांव का छोरा आगे भाग गया। अब मेरी बारी, मैं देखता हूँ किस तरीके तरह धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 धूम। देखिए, अलवर के महाराज यहाँ पे आ चुके हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोगों ने मैजिक वैली से जस्ट बगल में एक रास्ता है, वहाँ से लेके हम लोग नीचे उतरे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे झरने को, हम लोग विजिट करने आए थे नीचे की तरफ। आप वहाँ तकरीबन 150 मीटर की दूरी पे नीचे आपको जाना होता है मैजिक वैली से, जहाँ पे आपके कैंप रहता है, और वहाँ से आपको ये झरना सुंदर सा दिख जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इसकी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, कितना खूबसूरत है। और ये पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो इधर,
और बीच से जो है हमारी जो झरना है ऊपर है, काफ़ी लोग उधर भी गए हैं हमारे कैंप के, आप देख सकते हो उधर लोग हैं, और वहाँ से लोग कुछ लोग नहा भी रहे हैं, तो ऊपर से हमारी झरना ऊपर से आ रही है।